बिहार देख रहे हैं आप, मैं हमारे साथ बिहार के मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। अभी अभी कोरोना आपने टीका लिया है मैम, क्या कुछ कहेंगे, कितना डर लग रहा था? कोई डर नहीं, हम लोग को कोई भय नहीं, हम लोग को तो खुशी हो रही है कि अपने देश का वैक्सीन लगा रहे हैं। और देश का वैक्सीन अपना देश का बना हुआ, अपने वैज्ञानिकों का बनाया हुआ, अपने भाइयों का बनाया हुआ, अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निर्देश में बनाया हुआ, उससे बड़ा उत्साह और क्या हो सकता है कि हम सभी लोग स्वस्थ रहें। हमारे हमेशा कहते हैं कि सबका, हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ और सबका विकास है कि हम वैक्सीन लगाएं और स्वस्थ रहें। सारा समाज जब स्वस्थ होगा तो भारत भी स्वस्थ। ये दिवाली जो दिवालियापन है, चाहे किसी भी कोई भी हो, किसी भी तरह के लोग होंगे, सर का दिवालियापन था और दिवालियापन निकल गया। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि जब तक जांच नहीं कराएंगे वो उन्हें प्रूफ देना होगा कि कोई ठिकाना चाहिए। वो आपने देखा बिहार की उप मुख्यमंत्री है रेणु देवी, उन्होंने आज कोरोना टीका लगवाया है और उनसे हमने बातचीत की है। एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने इस टीका की तारीफ की है, बताया है कि किस तरीके से इस देश का जो टीका है वो पूरे विश्व के 115 देशों में भेजा जा रहा है। वहीं अगर विपक्ष के जो नेता हैं वो इसको लेकर सवाल उठाते हैं तो ये उनका दिवालियापन है। आपको बता दें कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है, तो ऐसे में आज उन्होंने इस अवसर पर, जहाँ देश में कोरोना के वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, तो उसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के तमाम मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे IGIMS में। वहाँ पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी से हमने बातचीत की है, नीतीश कुमार ने भी कई इस मामलों को लेकर खुलकर बातचीत की है। और बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने बताया कि किस तरीके से जो कोरोना को लेकर जो बार बार विपक्ष हमला कर रहा है, ये उनका सिर्फ और सिर्फ दिवालियापन है। बिहार में लोग इसको लगवा रहे हैं और ये अच्छी बात है, उन्हें कोई डर नहीं लग रहा इन सब चीज़ों को लेकर, काफ़ी एक्साइटेड थी, तमाम बातें भी उन्होंने कही हैं। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री से हमने बातचीत की है, क्या कुछ होता है इस कोरोना टीकाकरण के बाद, जिस तरीके से सियासत गरमा गई है और विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रहा है, क्या कुछ होता है, तमाम अपडेट्स हेडलाइंस बिहार आप तक पहुँचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद।